करने वाले हैं एक ऐसी ई कॉमर्स जाइंट, वन ऑफ द मोस्ट जाइंट ई कॉमर्स प्लेयर इन इंडिया, जिसका नाम है दोस्तों फ्लिपकार्ट। तो दोस्तों ये कंपनी चालू हुई कब? कल किसके ऊपर वीडियो बनाया था, उससे 3 साल पहले। ठीक है दोस्तों, मतलब क्या हुआ, स्टार्ट इन 2007, ठीक है, स्टार्ट इन 2007 बेंगलोर इंडिया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या है? तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। सो व्हाट्स नेक्स्ट, कि ये लोग जो है ये 80 कैटेगरी से भी ज़्यादा चीज़ों में देते हैं ग्रॉसरी तो नहीं अभी, मतलब ग्रॉसरी उतना अच्छा नहीं है इनका, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ है वो सब में। ठीक है, उसके बाद क्या, 8 करोड़ प्रोडक्ट्स दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं। और इसके बाद जो फ्लिपकार्ट है वो बहुत सारे लोगों के लिए और आपके लिए, अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो या फिर आपको अगर ई कॉमर्स बिजनेस चालू करना है तो फ्लिपकार्ट इज़ अ वे, और इट्स अ रोल मॉडल फॉर यू एंड ई कॉमर्स पर्सन। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ जो मैंने इंग्लिश में बोला, उसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि फ्लिपकार्ट जो आपके रोल मॉडल बनेगा, जिससे कि आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस जो है चालू कर सकते हो, या आप अपना जो ई कॉमर्स बिजनेस है उसमें से स्ट्रेटेजीज कर सकते हो। पहले हम लोग थोड़ा फ्लिपकार्ट के बारे में जानेंगे, फिर उनकी स्ट्रेटेजीज के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या है, व्हाट्स बिजनेस मॉडल? तो दोस्तों अभी हम लोग समझ, व्हाट्स बिजनेस मॉडल, मतलब कि बिजनेस मॉडल क्या है इनका। तो दोस्तों फर्स्ट तो वो अमेज़ॉन जैसे ही थे, कि अमेज़ॉन में क्या करता था, फर्स्ट अमेज़ॉन क्या करता था, बुक सेल करता था। और उन्होंने इन्होंने भी यही करा, क्योंकि मैं बताता हूँ क्या हुआ, कि उन्होंने जो है बुक सेल करते थे दोस्तों, वो अमेज़ॉन भी फर्स्ट बुक सेल करता था। ठीक है दोस्तों, समझ गए। इसके बाद क्या है कि वो बुक सेल करते थे, ये हो गया। तो 1 मिलियन कस्टमर्स हैं उनके, बहुत ज़्यादा, 1 मिलियन मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, सो व्हाट्स नेक्स्ट, तो दोस्तों 1 मिलियन कस्टमर्स, उसके बाद 10 करोड़ रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं, 10 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स, बहुत अच्छी और बहुत ही बड़ी बात होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो 10 करोड़ रजिस्टर्ड यूज़र जो होते हैं, रजिस्टर मतलब जिन्होंने जो रेगुलरली यूज़ करते हैं, जो रेगुलरली इनका करते हैं, वो 10 करोड़ है दोस्तों, समझ गए, 10 करोड़ मतलब बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद क्या हुआ कि उनके मतलब वेयर हाउसेज मालूम होगा, वेयर हाउसेज मालूम, ठीक है। इसके बाद क्या है, वेयर हाउसेज जो होते हैं वो पता है कितने स्टेट्स में हैं, बताऊँ? आप भी शॉक रह जाएंगे दोस्तों। तो फिर वो है 21 स्टेट्स दोस्तों इंडिया के अंदर, जो कि बहुत ही अच्छी अचीवमेंट होती है और बहुत ही बड़ी बात होती है। सो व्हाट्स नेक्स्ट, तो दोस्तों हमने बहुत सारी चीज़ें सुनी कि जाइंट प्लेयर इंडिया के अंदर फ्लिपकार्ट है, स्टार्ट इन 2007 बेंगलोर इंडिया के अंदर, 80 कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसी सब चीज़ें, और 8 करोड़ प्रोडक्ट्स दोस्तों, और 8 करोड़ प्रोडक्ट्स के साथ साथ उनके रोल मॉडल भी है फ्लिपकार्ट, जो ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं और जिनको स्ट्रेटेजी चाहिए और किसके लिए, जिनको ई कॉमर्स बिजनेस का चालू करना है। और फिर उसके बाद बिजनेस मॉडल क्या है, इन स्टार्टिंग मतलब वो स्टार्टिंग के अंदर बुक सेल करते थे अमेज़ॉन जैसे, जिसकी जेफ बेजोस फर्स्ट तो बुक सेल करते थे, फिर 1 मिलियन कस्टमर है जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है, फिर 10 करोड़ यूज़र्स है जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होती है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होती है, यह बहुत अच्छी अचीवमेंट भी होती है दोस्तों, क्योंकि 1 मिलियन कस्टमर बहुत कम उसके होते हैं, मतलब अमेज़ॉन के तो है क्योंकि वो इंटरनेशनल है, पर फ्लिपकार्ट इंडिया के अंदर बस और बस 1 मिलियन, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। सो व्हाट्स नेक्स्ट, गॉट नेक्स्ट, तो इसके बाद है 10 करोड़ रजिस्टर्स है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है, रजिस्टर मतलब कि जो रेगुलरली इनकी ऐप यूज़ करते हैं, फ्लिपकार्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्या है, सो गो ऑन नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट है कि क्या, वेयर हाउसेस। वेयर हाउसेस आपको मालूम होगा क्या होता है, जो स्टोर्स होता है और बाकी सब चीज़ें, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या है कि वेयर हाउसेस कौन सी स्टेट, कितनी स्टेट्स में है। 21 स्टेट्स दोस्तों, जो कि बहुत ही बड़ी अचीवमेंट, बहुत ही बड़ी बात। सो व्हाट्स नेक्स्ट, गो ऑन नेक्स्ट दोस्तों। तो पता है आपको 1 करोड़ कस्टमर, समझ लो 1 करोड़ कस्टमर विजिट करते हैं इनकी साइट को, पर 1 करोड़ कस्टमर इनकी साइट को विजिट करते हैं पर ईयर, पर ईयर नहीं सॉरी पर डे, इतना ज़्यादा इनका है, बहुत ही बड़ी है दोस्तों पर डे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या है, सो व्हाट्स नेक्स्ट, गो ऑन नेक्स्ट दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, हमने बहुत सारी चीज़ें से मिल ली, हमने पूरा लाइट ही से मिल ली, मतलब फ्लिपकार्ट की क्या क्या जाइंट प्लेयर है फ्लिपकार्ट, स्टार्ट इन 2007 बैंगलोर इंडिया, 80 कैटेगरीज, 8 करोड़ प्रोडक्ट्स, फ्लिपकार्ट इज रोल मॉडल फॉर हु आर डूइंग बिजनेस ऑफ ई कॉमर्स और हु आर डूइंग बिजनेस, हु वांट टू डू बिजनेस, व्हाट्स बिजनेस मॉडल, देन इन स्टार्टिंग दे सेल ओनली बुक्स लाइक एमेजॉन, देन 1 मिलियन कस्टमर दे हैव, दैट्स बिग अचीवमेंट, 10 करोड़ रजिस्टर यूजर्स, वेयर हाउसेज इन 21 स्टेट्स इन इंडिया, 1 करोड़ कस्टमर विजिट डेली। समझाया दोस्तों, तो इतनी बड़ी इनकी अचीवमेंट स्ट्रेटजीज है दोस्तों। तो दोस्तों इनकी स्ट्रेटजीज भी समझेंगे कि ये कैसे उन्होंने करा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या है कि इसके बाद क्या है कि आप 1 करोड़ डेली कस्टमर्स आकर विजिट करते हैं, ठीक है, ये हो गया। 2018 के अंदर वॉलमार्ट मालूम है आपको, वॉलमार्ट डीमार्ट है ना, डीमार्ट इंडिया के अंदर बिगेस्ट है, इंडिया के अंदर बहुत बिगेस्ट है डीमार्ट, पर राधाकृष्ण दमाली सर जो है वो वॉलमार्ट गए थे, वॉलमार्ट भी रोल मॉडल। तो वॉलमार्ट ने पता है कितने परसेंट स्टेक लिया इसके अंदर, किसके अंदर, इसके अंदर फ्लिपकार्ट कंपनी के अंदर, पता है कितना, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 75%, 76%, 77%। क्या दोस्तों, 77% इन्होंने स्टेक लिया, जिससे कि वह एक सब्सिडरी बन गई, किसकी, किसकी सब्सिडरी बन गई बताओ मुझे, वो बनी वॉलमार्ट की सब्सिडरी, ठीक है दोस्तों। सो व्हाट्स नेक्स्ट, तो दोस्तों 2018 का हो गया, और फिर जो है फ्लिपकार्ट जो है अपनी ग्रॉसरी जो है ग्रॉसरी थिंग्स, अभी तो ग्रॉसरी सेल नहीं करती, मतलब उतना सेल नहीं करती, तो ग्रॉसरी जो है वो ग्रॉसरी सेल करते हैं, है ना, करेंगे वो शायद 1-2 years, 3-2-3 years, मुझे लगता है 3-4 years तक वो ग्रॉसरी कर देंगे, ठीक है दोस्तों। सो व्हाट्स नेक्स्ट, गो ऑन। तो दोस्तों वो जो है उसके बाद फ्लिपकार्ट जो है ग्रॉसरीज, फ्लिपकार्ट ग्रॉसरीज जो है वो, ये तो हो गया फ्लिपकार्ट ग्रॉसरीज, और मतलब ग्रॉसरी जो है 3 से 4 साल में आ जाएगा, फ्लिपकार्ट जो है वो मतलब जो ग्रॉसरीज है वो चीपर रेट पे, चीपर मतलब महंगा मत समझिए, चीपर मतलब सस्ता, सस्ता कस्टमर सस्ता समझते ही आ जाता है भागते भागते कि मुझे सस्ता चाहिए, सस्ता चाहिए। अगर वो दिल्ली में भी रहता हो ना, अगर USA में सस्ता मिल रहा है ना, तो USA चले जाएगा दोस्तों, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है दोस्तों। व्हाट्स नेक्स्ट, गॉट नेक्स्ट दोस्तों। इसके बाद ये है कि फैशन जो है, फैशन के अंदर पता है क्या है, फैशन के अंदर वो भी चीपर रेट पे भेजेंगे, चीपर फैशन में भी भेजेंगे, चीपर ग्रॉसरी में भी भेजेंगे, ठीक है दोस्तों। सो व्हाट्स नेक्स्ट, गॉट नेक्स्ट। तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट ये है कि पिछले साल से 10% क्या, 10% 10 times
ज़्यादा ग्रोथ हुई है किसकी, जिसकी 10 times ज़्यादा ग्रोथ हुई है किसकी दोस्तों, बताओ किस चीज़ की? ऑर्डर्स की पिछले साल से 10 times ज़्यादा, मालूम है लोग इतना ज़्यादा ये, मतलब समझ नहीं आ रहा। अभी हम लोग वापस रिपीट करें इसी के आपको समझ आ जाए वापस। वन ऑफ द जॉइंट प्लेयर इन इंडिया फ्लिपकार्ट स्टार्ट इन 2007 बेंगलोर इंडिया, जो कि आईडी माना जाता है इंडिया सिलिकॉन वैली। टिकेट अग्रीज लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स गैस और बहुत सारी चीज़, ठीक है। और 8 crore प्रोडक्ट्स रोल मॉडल, फ्लिपकार्ट इज रोल मॉडल फॉर ई कॉमर्स बिजनेसेस दे, सो दे कैन यूज दिस स्ट्रेटजीज एंड दे कैन मेक देयर ओन बिजनेस ऑफ ई कॉमर्स विद टेकिंग देयर ई कॉमर्स स्ट्रेटजीज। देन व्हाट्स बिजनेस मॉडल, देन व्हाट्स नेक्स्ट इन स्टार्टिंग दे सेल बुक्स लाइक अमेजॉन। देन व्हाट्स नेक्स्ट कि 1 million कस्टमर, इट्स वेरी बिग अचीवमेंट, वेरी बिग अमाउंट। 10 crore रजिस्टर यूजर्स हु रेगुलरली यूज फ्लिपकार्ट ऐप। देन व्हाट्स नेक्स्ट कि वेयर हाउसेस इन 21 स्टेट्स, इट्स वेरी बिग। 1 crore कस्टमर विजिट्स एवरी डे इन फ्लिपकार्ट इन 2018। वॉलमार्ट हैज़ टेकन 77% शेयर्स ऑफ फ्लिपकार्ट। ओके, फ्लिपकार्ट विल स्टार्ट ग्रॉसरीज इन 3-4 years, स्टार्ट ग्रॉसरी इन चीपर रेट RATE। ओके, देन व्हाट्स नेक्स्ट दोस्तों, तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट है फैशन विल बी चीप ऑल्सो चीपर। फैशन मीन्स क्लोथ्स जीन्स लाइक दैट फैशन थिंग्स। ओके, सो नेक्स्ट कंपैरिजन ऑफ लास्ट ईयर, इट हैज टेकन 10 मीन्स 10 times मोर ऑर्डर्स फ्रॉम लास्ट ईयर। ओके, इट्स वेरी बिग अचीवमेंट। देन एवरी सेकेंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वॉट इज इट, एवरी सेकेंड 110, what? Every second 110 order places. You know that? It's very big. What? What I said to you? I told that. What? One more time. Every second. Or? Yeah. Every second. Every second 110 order places. You know that is very 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 big achievement for them. Okay friends, and it's, if you do this strategy, so you can do more than it, friends. Okay, so what's next? You are next. So what's next? Go next. So you just next is talk about history. So इसके बाद क्या है दोस्तों? So it's talk about history. So दोस्तों you have to know who is the founder, CEO, chairman. I will tell you now. Binnie Bansal and Sachin Bansal. Don't do Sachin from Sachin Tendulkar. Okay? Don't match it. Sachin Bansal and Sachin Tendulkar. Don't mix it, because Sachin is same. Okay? Understood? So what's next, friends? What's next? We know so much things about Flipkart, yes na? You know?
नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। जैसे मैंने पूरा जो है थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में बोल दिया आपके लिए, जो इंग्लिश लोग हैं उनको इंग्लिश में समझ आएगा, हिंदी के लोग हैं उनको हिंदी में समझ आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है दोस्तों, इसके बाद है कि हो गया ये इनके फाउंडर चेयरमैन सीईओ, पता है कौन है? विनी बंसल एंड सचिन बंसल। सचिन डोंट मिक्स इट फ्रॉम सचिन तेंदुलकर, ओके, मतलब मिक्स मत करो सचिन तेंदुलकर के साथ। तो दोस्तों इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है कि वो जो थे वो दोनों स्टूडेंट थे, किधर के? IIT, हाँ IIT अहमदाबाद, नहीं दोस्तों IIM अहमदाबाद, नहीं दोस्तों IIM कानपुर, नहीं दोस्तों IIM दिल्ली, नहीं दोस्तों। तो क्या क्या दोस्तों, IIT आप सुनोगे, अहमदाबाद नहीं बोलोगे आप, IIT दिल्ली, ठीक है दोस्तों। IIT दिल्ली के अंदर वो जो है वो फ्रेंड्स, सो दे मीट, ओके। सो व्हाट्स नेक्स्ट, तो दोस्तों वो जो है वो मिल गए उनके कॉलेज टाइम पर, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, फिर भी उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया, ठीक है दोस्तों। तो वो जो थे वो स्टूडेंट थे, वो स्टूडेंट जो थे वो एक ही मतलब एक ही उसमें थे, किस में, एक ही किस में, एक ही सब्जेक्ट में वो पढ़ते थे, ठीक है दोस्तों। तो वह एक ही सब्जेक्ट में पढ़ते थे, ठीक है। सो व्हाट्स नेक्स्ट, कि वो एक ही सब्जेक्ट में पढ़ते थे, फिर उन्होंने अपना किसको ज्वाइन करा, टेल मी फ्रेंड्स, किसको ज्वाइन करा होगा? आप सोच रहे होंगे कि व्हाट फ्रेंड्स, महिंद्रा, नहीं दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कोई और फैशन ब्रांड, नहीं दोस्तों, ई कॉमर्स ब्रांड, यस दोस्तों, पर इंडिया की नहीं है। तो आप बोलोगे कि मुझे तो फॉरेन की मालूम नहीं है, दोस्तों वो आपको मालूम भी है और आप उनसे रिप्लेस भी करते, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों उन पर भी मैं वीडियो बना दूंगा जब तक मैं उनकी कंपनी का नाम बता देता हूँ, जिसका नाम है Amazon, ठीक है दोस्तों। तो Amazon जो है वो उधर जॉब करने लगे, अच्छा लगा उनको, बहुत समझ आई, अच्छी तरह उनको मालूम चला, वो मैनेजर तक पहुंच गए, मैनेजर के बाद बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पे पहुंच गए, क्योंकि मतलब पाँच साल वो काम कर रहा है, इसलिए वो मैनेजर टॉप तक पहुंचे, उनकी मेहनत भी रंग लाई, मालूम है दोस्तों ये चीज़, उनकी जो मेहनत है वो बहुत ही रंग लाई, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो दोस्तों हमने बहुत सारी चीज़ें समझी, कौन सी डिटेल में समझते हैं, राम्स, ठीक है, वन ऑफ द जायंट प्लेयर इन इंडिया, फ्लिपकार्ट सबसे बड़ा जायंट प्लेयर है इंडिया का, ना फ्लिपकार्ट ऑफ ई कॉमर्स। तो दोस्तों इसके बाद है स्टार्ट इन 2007 बेंगलोर इंडिया, स्टार्ट हुई 2007 इंडिया के अंडर, 80 कैटेगरीज में है इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत सारी चीज़ों में, 8 करोड़ प्रोडक्ट्स हैं इनके, और फ्लिपकार्ट जो है वो रोल मॉडल है फॉर बिजनेसेस दैट आर गोइंग टू स्टार्ट ई कॉमर्स बिजनेस और हु स्टार्ट बिजनेस बट दे विल हैव स्ट्रेटजीज फ्रॉम दिस वीडियो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इन वो रोल मॉडल बनेंगे, फ्लिपकार्ट एक रोल मॉडल के जैसे काम करेगा आपकी लाइफ में, अगर आप कोई ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं तो फिर उसमें स्ट्रेटजीज हेल्प आएगी इस वीडियो में आपको, और जो ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमने क्या समझा, क्या हमने समझा, व्हाट्स बिजनेस मॉडल, बिजनेस मॉडल क्या है, स्टार्ट इन स्टार्टिंग दे सेल ओनली बुक्स लाइक अमेज़न, ये जो लोग हैं ये अमेज़न की जैसे बुक सेल करते थे, बस बुक्स ही सेल करते थे, 1 मिलियन कस्टमर्स, 1 मिलियन कस्टमर्स हैं इनके, 10 करोड़ रजिस्टर यूजर्स, जो कि मतलब रजिस्टर यूजर्स का मतलब क्या होता है, जो कि
रेगुलरली यूज़ करते हैं इनकी वेबसाइट को, वो 1 करोड़ है, नहीं 10 करोड़ सॉरी, वेयर हाउसेज है 21 स्टेट्स में, 1 करोड़ कस्टमर विजिट करते हैं। इन 2018 वॉलमार्ट हैज़ टेकन 77% शेयर्स। वॉलमार्ट ने 2018 के अंदर फ्लिपकार्ट के 77% शेयर्स ले लिए। फ्लिपकार्ट जो है वो ग्रॉसरी स्टार्ट कर देगा 3-4 ईयर्स के अंदर, और फ्लिपकार्ट जो है वो ग्रॉसरी जो है चीपर रेट में बेचेगा, फैशन की जो है जीन्स टी शर्ट जो भी चीज़ें हो, टी शर्ट्स शर्ट्स जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हो, फैशनेबल चीज़ वो चीपर रेट में बेचेगा। ऑर्डर जो है ऑर्डर 10 टाइम्स ज़्यादा बड़े पिछले साल के मुकाबले में, और फिर उसके बाद क्या है एवरी सेकेंड 110 ऑर्डर्स प्लेसेस, मतलब कि हर सेकेंड में 110 ऑर्डर्स जो है वो प्लेस होते हैं। फिर दोस्तों इसके बाद है टॉक अबाउट हिस्ट्री। तो दोस्तों टॉक अबाउट हिस्ट्री में है कि इनके ओनर कौन है, फाउंडर सीईओ चेयरमैन जो भी हो, तो ठीक है दोस्तों इसके बाद क्या है इनके को फाउंडर कौन है, बिनी बंसल एंड सचिन बंसल। ठीक है दोस्तों, सो व्हाट्स नेक्स्ट। तो दोस्तों इसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ें क्या क्या वापस हम ये दोनों आईआईटी दिल्ली के थे, आईआईटी दिल्ली के बाद उन्होंने अमेजोन ज्वाइन कर लिया, इधर तक हम लोग स्टॉप हुए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट भी चलते हैं कि फ्लिपकार्ट तो दोस्तों फिर उन्होंने सोचा कि अच्छा हमने 3-4 साल इधर काम कर दिया, मैनेजर की पोजीशन पर पहुंच गए, तो इनको लगा कि इंडिया के अंदर कोई ऑनलाइन बिजनेस है ही नहीं, तो उन्होंने बोला कि तो चलो ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करते। इसको बोलते हैं बुद्धि, क्या बोलते हैं इसको, चाणक्य नीति, समझे। ये जो है मतलब इन्होंने उसमें जॉब करा और उसी फील्ड में इंडिया के अंदर टॉप, वर्ल्ड के अंदर टॉप है, ये इंडिया के अंदर टॉप बनना चाह रहे थे, और क्या कोई तरीका इतना दोस्तों इन्होंने कैप्चर कर लिया ना मार्केट शेयर की, बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात हो गई है। सो गो टू नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स। तो दोस्तों आप सोचते हो ये हो गया, मैंने सब चीज़ समझ ली, अभी आप सोच रहे होंगे ना कि कितने कितने लाख, कितने करोड़, कितने मिलियन, कितने बिलियन, या फिर कितने लैक्स, कितने हज़ार, कितने सौ, कितने रुपए से स्टार्ट हुआ था ये कंपनी। तो दोस्तों रुपए भी नहीं, सौ भी नहीं, हज़ार भी नहीं, लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख दोस्तों। तो दोस्तों 4 लाख में इन्होंने अपनी जो कंपनी है वो शट, 4 लाख, 4 लाख में कौन करता है। और वो उनके अमेजोन की सैलरी थी, मालूम है क्या, 4 लाख बहुत कम होता है, फिर भी उन्होंने अपना रिस्क लिया दोस्तों। अरे उनका जो रिस्क है वो मेहनत लाई दोस्तों। तो दोस्तों व्हाट्स नेक्स्ट, तो दोस्तों वो 2014 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स उन्होंने स्टार्ट करा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इन 2014 दे हैव स्टार्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स business and online gaming. Okay friends, so what's next? Okay, going next. So next is that in 2014 became $1 billion, मतलब 2014 के अंदर ये जो है $1 billion दोस्तों बन गई, जिसको बोलते हैं यूनिकॉर्न, डेकाकॉर्न, मतलब होता है 10 बिलियन से लेकर 100 बिलियन दोस्तों। What's next friends?
ये समझ गया। इसके बाद ये है कि 2014 के अंदर ये जो है ये यूनिकॉर्न बन गए $1 बिलियन। डेकोकॉन बताया ना अभी क्या होता है, डेकोकॉन होता है 1 बिलियन से 10 बिलियन, और फिर 10 मिलियन से लेकर 100 मिलियन तक क्या होता है दोस्तों, वो तो मुझे हाँ मतलब 10 से लेकर 100 तक वो डेकोकॉन होता है, जो बहुत बड़ी बात है। अरे ये यूनिकॉर्न बन गई थी और वो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। सो व्हाट्स नेक्स्ट टू, चलो दोस्तों ये बन गई। तो दोस्तों फ्लिपकार्ट जो है वो ग्रो कैसे करी 2007 से लेकर 2022 जो कि अभी साल चल रहा है, साल चल रहा है, तो फिर जब तक इतनी ज़्यादा लॉन्ग टाइम, इतनी ज़्यादा दिनों, इतनी ज़्यादा टाइमलाइन, इतनी ज़्यादा दिनों, इतनी ज़्यादा टाइमलाइन, इतनी ज़्यादा दिन तक ये कैसे सस्टेन, कैसे स्टेबल। कल मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था ना एजिलिटी स्टेबिलिटी, एजिलिटी स्टेबिलिटी उसका उल्टा है, स्टेबिलिटी एजिलिटी, स्टेबिलिटी एजिलिटी समझे, स्टेबल करते 1 बिलियन पे, फिर बाउंस बैक 10 बिलियन, बाउंस बैक 20 बिलियन। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट तो 2007 से लेकर 2022 तक उन्होंने जो है अपना एनवायरनमेंट जो है वो उन्होंने बनाया अपना, जो कि अच्छी बात होती है। और एनवायरनमेंट बनाने से दोस्तों क्या होता है कि उनका एनवायरनमेंट जब बन जाता है, अच्छा एनवायरनमेंट बन जाता है, तो दोस्तों अच्छी बात क्या होती है कि उनका एनवायरनमेंट, सो दे हैव अ गुड थिंग्स एंड दे कैन नो, दे वो जो लोग हैं वो अच्छी तरह काम कर सकते हैं, उनके पास रहेगा एनवायरनमेंट, मुझे ये 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 और ये करना है दोस्तों, समझे। इसके बाद क्या है कि गुड एनवायरनमेंट होना चाहिए उनके पास। फिर उन्होंने जो है प्रॉब्लम्स पे करा, प्रॉब्लम्स को जाकर मतलब प्रॉब्लम्स पे क्या करा, प्रॉब्लम्स ये थी कि प्रॉब्लम क्या थी कि वो लोग ट्रस्ट ही नहीं करते थे कि फीक माल बन दिया है, नहीं फेक माल भेज देगा कोई भी, मतलब जब इतनी अच्छी ट्रस्टेड ब्रांड नहीं होती तो उन्होंने लोगों के ऊपर ट्रस्ट बिल करा। फिर उन्होंने जो है मतलब पहले तो कैश ऑन डिलीवरी करते थे, मतलब क्या उधर जाओ वो कैश देते थे दो मेरे सामने, और अभी ट्रस्ट आने लग गया उनके पास तो ऑनलाइन पेमेंट कर देते क्योंकि उनको 100% ट्रस्ट है कि अच्छा सामान लाएगा। और COD जो है वो अभी ख़त्म हो गया, क्या कैश ऑन डिलीवरी, वो पहले था उनको ट्रस्ट दिलाने के लिए कि हम जो है वो अच्छे हैं, फ्लिपकार्ट अच्छी कंपनी है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया, आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो दोस्तों जो फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट का मर्ज हुआ ना, तो $20 बिलियन जो है उनका इनको प्रॉफिट हुआ दोस्तों। कैटेगरी जो है वो बहुत सारी कैटेगरी इसमें काम करते हैं दोस्तों, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटरिंग या फिर जो भी गैजेट्स हो, अच्छे अच्छे गैजेट्स हो, तो वो सकते हैं दोस्तों। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आइडेंटिफाई ऑन द प्रॉब्लम, कि आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी जो कस्टमर की प्रॉब्लम है उसको देखो, उसको समझो, उसको समझो कि वो क्यों आ रही है और फिर सॉल्व कर दो उसको। ये दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम करते हैं ना दोस्तों, तो दोस्तों आपका क्या होता है कि वो कस्टमर जो है आपके पीछे लगते हैं, मतलब आपके साथ खड़े रहते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे गंदा माल भिजवाया है, मुझे नहीं करना, अगर आप बोलोगे कि हम इस पर मेहनत कर रहे हैं, हम बहुत रिसर्च कर रहे हैं, तो आपके पीछे आएंगे, आपके पीछे पीछे आएंगे, बोलेंगे ठीक है आप कर रहे हो, हम लोग भी देखते हैं आप कर रहे हो, ठीक है हम आप पर ट्रस्ट करते, तो ऐसे ट्रस्ट बिल्ड होता है, ऐसे ट्रस्ट बिल्ड होता है उन लोगों में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये होगा। तो दोस्तों हमने कौन सी चीज़ें समझी, एक बार वापस रिवाइज कर, वन ऑफ द जाइंट प्लेयर इन इंडिया, मतलब कि हमने बहुत सारी चीज़ें समझी, और फिर उसके बाद रुकिए दोस्तों।
भी समझते हैं कि हमने बहुत सारी चीज़ें समझ ली फ्लिपकार्ट के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों फ्लिपकार्ट के बारे में इतनी सारी चीज़ें समझ ली हमने, तो उसके बाद रिवाइज कर लेते वापस, कर ले ओके और नॉट ओके, ठीक है जानते हैं। वन ऑफ द जायंट प्लेयर इन इंडिया कौन सा है? जायंट प्लेयर इन इंडिया फ्लिपकार्ट, ठीक है दोस्तों। कब स्टार्ट हुई? 2007 बेंगलोर इंडिया। हाँ कौन सी कितनी कितनी कैटेगरीज? 80 कैटेगरीज, यस। प्रोडक्ट्स कितने? 8 करोड़ प्रोडक्ट्स दोस्तों। और इसके बाद 8 करोड़ प्रोडक्ट्स के बाद कितना? 8 करोड़ प्रोडक्ट्स के बाद क्या था? रोल मॉडल, फ्लिपकार्ट इज अ रोल मॉडल जो कि बिजनेस करते हैं, उनको स्ट्रेटजीज मिलेगी इस वीडियो से दोस्तों, ठीक है। आपको थोड़ी स्ट्रेटजीज मैंने आपको बताई, इसके बाद में मैं आपको स्ट्रेटजीज बताऊँ, ठीक है दोस्तों। तो क्या है इसके बाद? क्या है कि इट्स अ रोल मॉडल फॉर हु इज डूइंग बिजनेस, हु इज डूइंग बिजनेस दे विल इट विल हेल्प टू व्हाट? क्या 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 क्या? इट विल हेल्प टू क्या? विल हेल्प टू मेक स्ट्रेटजीज सो दे कैन बी अ बिग बिजनेस ई कॉमर्स कैप्चर। अरे इंडिया के तो खाली जगह है, तो जिधर भी आओ कुर्सी पे बैठ जाओ। यस, तो ये ई कॉमर्स का इंडिया के अंदर खाली है मार्केट, आप भी जा सकते हो ई कॉमर्स के अंदर, इट्स इजी। तो फ्लिपकार्ट को पीछे करना इजी है, पर अगर आपने बहुत सारी अच्छी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी करी दी, मतलब यूज़ करी अपने बिजनेस में, तो फिर पीछे कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। सो व्हाट्स नेक्स्ट? तो दोस्तों अभी हम लोग समझते हैं बिजनेस मॉडल, अभी समझ लिए हमने, मैं आपको वापस रिवाइज करता हूँ। व्हाट्स बिजनेस मॉडल? फिर उसके बाद इन स्टार्टिंग दे ओनली सेल बुक्स लाइक अमेजॉन, 1 मिलियन कस्टमर, इट्स वेरी 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 एंड वेरी बिग अचीवमेंट फ्रेंड्स। ओके सो व्हाट्स नेक्स्ट? आप ये समझेगा 10 करोड़ यूजर्स, क्या 10 करोड़ यू 10 करोड़ रजिस्टर यूजर्स, व्हाट 10 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स, ओके ना। 10 करोड़ रजिस्टर यूजर्स मतलब क्या होता है? रजिस्टर मतलब जिन्होंने साइन करा हुआ है कि हम इसको अमेज़न को कभी यूज नहीं करेंगे, महिंद्रा को कभी यूज नहीं करेंगे, स्नैपडील को कभी यूज नहीं करेंगे, दूसरी कंपनी को कभी यूज नहीं करेंगे, जैबोंग को कभी यूज नहीं करेंगे, ईबे को कभी यूज नहीं करेंगे, आप ये सोचोगे ना कि ये सब होगा, पर नहीं दोस्तों, कि 10 करोड़ रजिस्टर मतलब कुछ और होता है दोस्तों, बताओ? 10 करोड़ रजिस्टर यूजर्स मतलब होता है कि 10 करोड़ लोगों ने हर चीज़ें, ज़्यादा चीज़ें जो है वो फ्लिपकार्ट से ही लेते हैं, ज़्यादातर चीज़ें, ऐसा नहीं कि फ्लिपकार्ट से लेंगे बस, ऐसा नहीं, वो अमेजोन से भी ले सकते, पर ज़्यादातर लोग 10 करोड़ पीपल, ठीक है दोस्तों। सो व्हाट्स नेक्स्ट? गॉन नेक्स्ट, तो दोस्तों इसके बाद समझते हैं, ठीक है समझ। सो फ्रेंड्स व्हाट्स नेक्स्ट? गॉन नेक्स्ट, तो इसके बाद नेक्स्ट है कि वेयर हाउस, जो आपको मालूम ही होगा 21 स्टेट्स, इट्स वेरी बिग अचीवमेंट, ओके। सो व्हाट्स नेक्स्ट? 21 स्टेट के अंदर 1 करोड़ कस्टमर विजिट कर चुके हैं इनकी, 1 करोड़ यूजर जो है हर दिन विजिट करते हैं इनकी वेबसाइट, नहीं सॉरी 1 वीक नहीं, हर वीक 1 करोड़ यूजर्स विजिट करते हैं इनके वेबसाइट,
दोस्त, इट्स वेरी 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 एंड वेरी बिग अचीवमेंट फॉर देम। चला मैंने सॉरी, ठीक है धीरे बोलता हूँ, आपको समझ आएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है कि इनके 1 करोड़ यूजर्स, 1 करोड़, अच्छा ये तो हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या है, 2018 के अंदर वर्ल्ड वाइड ने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया 77% शेयर, 23% ले लो, 23% तुम्हारे, तुम हमारे सब्सिडरी हो, आ जाओ मैग्नेट के जैसे चिपक जाओ हमारी सब्सिडरी से, चिपक फिर वो इंडिया के अंदर सबसे बड़ा मार्केट शेयर करा है। वेरी 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 बिग अचीवमेंट फ्रेंड्स, इट्स अ रोल मॉडल। तो ग्रोसरी जो है वो 3 या 4 साल में ला देंगे, ग्रोसरी जो है वो चीपर रेट में देंगे वो, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। और वो फैशन की चीज़ भी, कपड़े जो ये टी शर्ट फैशनेबल थिंग्स जो है वो चीपर रेट में, सस्ते रेट में भेजेंगे। और ऑर्डर जो है वो पिछले साल के मुकाबले 10 टाइम्स बड़े हैं, जो कि बहुत ही बड़ी बात होती है। सो फ्रेंड्स, व्हाट्स नेक्स्ट, नेक्स्ट है हर सेकेंड 110 ऑर्डर प्लेस होते हैं। टॉक अबाउट हिस्ट्री, तो दोस्तों चलिए जानते हैं अभी हिस्ट्री के बारे में। इनके जो फाउंडर चेयरमैन CEO है बिनी बंसल और सचिन बंसल, तो वो जो है वो एक ही स्टूडेंट थे, IIT दिल्ली के स्टूडेंट थे वो लोग। और दे ज्वाइंट, मतलब उन्होंने ज्वाइंट करा अमेजोन, उन्होंने ज्वाइन कर फिर उन्होंने अपनी फ्लिपकार्ट खरीदी 4 लाख से 2014 के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मालूम होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस में आए, इलेक्ट्रॉनिक्स देने लगे 2014 जब मेरा बॉर्न हुआ था दोस्तों, ठीक है ना। तो जब मेरा बॉर्न हुआ था 2014 के अंदर, जब यार बताए क्या कितने की हो गई थी, कितने 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन, 7 मिलियन, 8 मिलियन, 9 मिलियन, 10 मिलियन, 100 करोड़ नहीं दोस्तों, 1 बिलियन, 0.1 बिलियन, 2 बिलियन, 0.3 बिलियन, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1 बिलियन की कंपनी बनी दोस्तों। क्या 1 बिलियन की कंपनी, मतलब कि यूनिकॉर्न बन चुकी दोस्तों। जब तक इट्स वेरी बिग, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या है कि इसके बाद क्या है, फ्लिपकार्ट कैसे 2007 से लेकर अभी तक इतनी सस्टेन कर, इतनी ग्रोथ तेजी से कैसे ला रही है दोस्तों, बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंस, मतलब इनके फाउंडर की कंसिस्टेंसी इतनी अच्छी, इतनी अच्छी है कि ये लोग जो कंसिस्टेंसी की वजह से अपना बिजनेस जो है उसमें शार्प 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 एंड शार्प अंडरस्टूड फ्रेंड्स। नेक्स्ट पे चले, चलो नेक्स्ट पे अपना जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट करा, ठीक है। तो उन्होंने अपना एनवायरनमेंट क्रिएट करा, और एनवायरनमेंट क्रिएट करने के बाद उन्होंने जो है देखा कि मतलब एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं ना दोस्तों, तो एक फायदा होता है क्या, तो उनको ये फायदा होता है कि एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते वो लोग, तो उनका क्या होता है कि वो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, तो फिर उनका फ़ायदा ही होता है कि वो अपना जो बिजनेस है वो अच्छी तरह ग्रो कर सकते हो उस एनवायरनमेंट में, जैसे कि उस एनवायरनमेंट के लोग उनको खरीदेंगे और फिर, ठीक है समझ गए। सो वो जो है प्रॉब्लम्स देखते हैं,
तो जो है प्रॉब्लम्स देखते हैं और अपनी जो प्रॉब्लम्स है उस पर वर्क करते हैं, उस पर अच्छी तरह काम करते हैं। जो है 42 का होगा ना, जब मैं आपको ये सब चीज़ें जो अभी तक पढ़ी है वो सब बता दूंगा, ठीक है? ख़त्म हो जाएगा ये, मतलब वीडियो ख़त्म नहीं होगा, चलेगा और आगे, ठीक है? सो व्हाट्स नेक्स्ट दोस्तों? तो दोस्तों इसके बाद है जो है प्रॉब्लम। दोस्तों देखिए, कोई भी चीज़ होती है ना, तो आपके बिजनेस में आपको प्रॉब्लम देखनी पड़ती है और फिर उसका सलूशन निकालिए। ऐसा नहीं बोला कि बस प्रॉब्लम 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 इस पे देख जाओ, मैं बोल रहा हूँ प्रॉब्लम पे देखो उसका सलूशन क्या है और फिर उस पे वर्क करो, सलूशन पे वर्क करो और प्रॉब्लम को जड़ से निकल कर फेंक दो। कभी आएगी नहीं हो आपकी लाइफ में या आपके बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में या, ठीक है दोस्तों? तो ये समझ गए। और फिर दोस्तों कोई भी बड़ा बिजनेस होता है, कोई भी अच्छा अच्छा बिजनेस होता है, कोई भी बड़ा बिजनेस होता है दोस्तों, इस उन सब के लिए ये सब जरूरी होता है कि वो जो है लोगों पे ट्रस्ट बिल्ड करे। पहले COD कर देते हैं, COD मतलब कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी का मतलब क्या होता है कि तुम मुझे सामान दो, लो लो कैश, ऐसे डरते थे। उन्होंने जो जो ट्रस्ट बनाया और फिर लोगों के मन में डाल दिया कि आप अच्छी कंपनी है, हम आपका जो अच्छा अच्छी क्वालिटी का आपका जो है काम कर देंगे और आपका जो है अच्छी तरह आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो सब कर देंगे, ठीक है दोस्तों? होगा कि इसलिए उन्होंने ट्रस्ट बिल्ड करा अपने क्लाइंट्स पर, अपने जो भी लोग होते हैं उन पर उन्होंने अच्छा ट्रस्ट करा। और फिर दोस्तों एक बहुत खतरनाक चीज़ बतानी है दोस्तों आपको, ठीक है ना? तो एक खतरनाक चीज़ बताओ क्या है दोस्तों, बताओ कि ये खतरनाक चीज़ है दोस्तों कि 20 बिलियन जो है इनकी कंपनी का जो शेयर हो गया 20 बिलियन का हो गया दोस्तों। तो उसके बाद ये है कैटेगरीज। कैटेगरीज क्या होती है? कैटेगरीज ये इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत सारी कैटेगरीज बताया था ना, 80 कैटेगरीज और 8 करोड़ प्रोडक्ट्स में ये लोग डील करते हैं। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड सॉल्व दोस्तों, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, अगर आप आइडेंटिफाई कर दोगे, अगर आप उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दोगे, तो दोस्तों जो आपके क्लाइंट्स है कस्टमर्स है वो खुश हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों ये हमने बहुत सारी चीज़ें समझ ली, अच्छी अच्छी चीज़ें हमने समझ ली। तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, सो गो ऑन आर नेक्स्ट पॉइंट। सो तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है दोस्तों? दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सो गो नेक्स्ट। तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, वो क्या है, चलते हैं क्या है, क्या होगा कि डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी मतलब क्या होता है कि ये लोग जो है ये हर धर्म हिंदू हो या मुस्लिम हो, ऐसे मुझे बोलना तो नहीं चाहता, बस एक बता रहा हूँ क्या होता है, ठीक है? तो हिंदू हो, मुस्लिम हो या जो भी हो, ठीक है ना? ठीक है, तो उनको भी सेल करते हैं, कोई भी एज के इंसान हो, कोई भी जिन कितनी भी बड़ी एज हो, कितनी छोटी भी एज हो, कितनी अच्छी एज हो, कुछ भी हो, वो डेमोग्राफी जो होती है वो क्या कहते हैं कि डेमोग्राफी में वो लोग ऐसे करते हैं कि वो सारे एज सारी जगह मतलब सारे एज जो होती है सारी जगह की एजेस एजेस जो होती है वो उनको बेचते हैं, एजेस को बेचते सारी एजेस सारी मतलब हिंदू मुस्लिम क्रिश्चन जो भी बड़ी बड़ी होती पर्शियन जो भी इंडिया के अंदर रहती है, ठीक है ना? जो इंडिया के अंदर रहती है। सो व्हाट्स नेक्स्ट दोस्तों? तो दोस्तों ये डेमोग्राफी जो है, डेमोग्राफी मतलब समझो सेवेंटी ईयर की भी एज, सिक्सटी ईयर की भी एज, और क्या और 50 के बाद क्या था? 60 पहली 40 फोर्टी, फिर उसके बाद
30 केज की 20 केज की भी 10 केज की भी को बेचते थे। और जो भी बड़े बड़े धर्म हो जो इंडिया के अंदर रहते हैं, जैसे मुस्लिम्स जो होते हैं ना, मुस्लिम्स तो, और हिंदूस या फिर पर्शियंस या फिर क्रिश्चियंस जीयूज या फिर कोई भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे धर्म हो, समझे कि एज 190, 80, 90, 80, 70, 60, 50, 40 and 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2, 1 कुछ भी हो, उन सब लोगों को भी देते हैं। और हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या कोई भी हो, उनको शेयर कर, तो ये डेमोग्राफी शेयर करते हैं, तो फिर सबका जो है इनके साथ पब्लिक जो है इंडिया की वो सब चलती है। धीरे धीरे वो इंटरनेशनल मार्केट भी कैप्चर करने लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो वन स्टोर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि हर एक स्टोर में उधर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उधर सारी जगह स्टोर्स पे सॉल्यूशन देखना, ठीक है ना, कि हर जगह जो स्टोर्स है, ठीक है ना, हर जगह स्टोर्स का सॉल्यूशन ढूंढना, समझे नहीं समझे, चलो तो देखो। फॉर एन एग्जाम्पल आप देख लो कि ब्रांचेज होती है, ठीक है, ब्रांचेज होती किधर और बनना होता है वो जाली पानी ही, ठीक है दोस्तों समझते हैं अभी, ठीक है। वन स्टोर सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि इनके बहुत सारी जगह स्टोर, बहुत सारी जगह ब्रांच है, तो एक ब्रांच में प्रॉब्लम आती है, तो ऐसी चीज रखो कि हर एक स्टोर में एक ही प्रॉब्लम है और उसको फ्लैग से ठीक कर दो, की जो प्रॉब्लम्स है वो भी अच्छी बन पाएगी आपकी, ठीक है दोस्तों। तो प्रॉब्लम्स जो अच्छी बनती है जिससे क्या फ़ायदा होता है मालूम है आपको दोस्तों, बताओ। तो दोस्तों फ़ायदा ये होता है कि वन स्टोर सॉल्यूशन में फ़ायदा क्या होता है बताओ, वन स्टोर सॉल्यूशन में फ़ायदा एक, हाँ कि वन स्टोर सॉल्यूशन में फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, वन स्टोर सॉल्यूशन में फ़ायदा होता है कि वो जो वन स्टोर जो होता है उसमें वो काम करती है, मतलब वन स्टोर जो है ऐसा बना दो कि एक ही स्टोर में वही प्रॉब्लम आए, उसका सलूशन उनको मालूम रहता है, वो दवाई से ठीक कर देते हैं, दवाई से ठीक कर देते हैं, इसलिए कोई अड़बड़ नहीं, कोई भी चोरी नहीं, कोई भी खराब चीज नहीं। ओके सो समझ गए, मतलब स्टेप समझ गए कि वन स्टोर सॉल्यूशन का मतलब, समझ गए कि वन स्टोर सॉल्यूशन मतलब कि जीरो स्टोर सॉल्यूशन, ठीक है। तो दोस्तों अभी नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, नेक्स्ट चीज हमारा शायद बहुत बड़ा वीडियो बन गया आज, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई और भी चीज़ें सुनी, तो दोस्तों आप जो हो आपको क्या बनना चाहिए, कस्टमर जो है उसको क्या क्या चीज़ें पसंद है बताओ, टाइम पे आना चीज़ें ई कॉमर्स के अंदर बोल रहा हूँ, टाइम पे आना है ना, टाइम पे डिलीवरी आना, टाइम पे डिलीवरी आना या फिर क्या कि अच्छा माल है, कैश ऑन डिलीवरी चाहिए था और है भी कुछ कुछ कंपनीज के लिए, तो उनको ट्रस्ट भी नहीं बनता कि फ्लिपकार्ट तो ठीक है, इतने सालों में तो कितने साल हो गए, 12 + 3 कितना होता है 15,
15 ईयर से करी है, इसलिए उनको मालूम है, कस्टमर्स को मालूम है कि ये अच्छी कंपनी है, इसलिए वो जो है और फ्लिपकार्ट जो है उस पर ट्रस्ट बना के रखती है, इसलिए जो है सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन दोस्तों बस और बस उनका ही है दोस्तों, क्योंकि उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो क्यों है, वजह क्या है, तो दोस्तों अभी यही समझे हैं। अच्छा माल बेचते होंगे, चीज़ें बेचते होंगे, फ्री देते होंगे, अच्छी चीज़ें डिस्काउंट से देते होंगे, आप सोचने लग गए होंगे क्या है इनका चक्कर, फ्री नहीं नहीं सोचो सोचो टाइम मिलेगा 5 सेकंड का टाइम, ठीक है ना, 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, 10 सेकंड सॉरी 10 सेकंड ठीक है, 10 सेकंड में हो जाता है, जाता हूँ बता दो चलो, ये आप सुनिए, ये लोग जो है ये बिल्कुल सस्ता बेचते, डिस्काउंट देकर बेचते, ओह डिस्काउंट, हर एक डिस्काउंट कहता रहता है ना दोस्तों, है ना, तो आप सोचेंगे डिस्काउंट दिए ठीक है ना, तो डिस्काउंट नहीं है तो क्या होगा, चलो बता देता हूँ आपको, तो दोस्तों कस्टमर फ्रेंडली बिकम अ कस्टमर फ्रेंडली, दोस्तों देखो कस्टमर फ्रेंडली से क्या होता है, कस्टमर फ्रेंडली से क्या होता है कि एक सेकंड रुकिए, हाँ कस्टमर फ्रेंडली से क्या होता है दोस्तों आप बताओ, बताइए जब तक मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, हो गए 10 सेकंड आपके, बताओ बता दो कि दोस्तों कस्टमर फ्रेंडली मतलब क्या होता है, कस्टमर के साथ फ्रेंडली बिहेव करना, कस्टमर जो है उसको अच्छा ऐसा फील करवाना कि आप ही उनके साथ हो, कस्टमर फ्रेंडली फीलिंग बनाते हैं ना दोस्तों, तो कस्टमर फ्रेंडली जो फीलिंग है वो बहुत अच्छी तरह उनके माइंड में छप जाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि मैं दिख रहा हूँ ना तो छप गई मेरे माइंड में ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़ ये सब छप गई मेरे माइंड में, उनके माइंड में समझ जाता है कि ये कस्टमर फ्रेंडली ब्रांड है, कस्टमर फ्रेंडली ब्रांड के साथ कोई ऐसी कंपनी नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं, कोई ऐसा पर्सन नहीं है, अगर ये एनिमल है ना, अगर वो कस्टमर फ्रेंडली है ना तो वो इंसान भी उनके साथ खेलने लग जाएंगे, मालूम है, नहीं होते कस्टमर फ्रेंडली, ये तो अलग बात है ठीक है ना, तो कस्टमर फ्रेंडली ये तो वो बहुत अच्छी चीज़ होती है दोस्तों, क्यों क्यों होती है, क्योंकि दोस्तों कस्टमर फ्रेंडली जो होता है वो एक ऐसी चीज़ होती है कस्टमर जैसा आप फ्रेंड जैसे क्या फ्रेंड जैसे ट्रीट करते हो, फ्रेंड जैसे ट्रीट करते हो तो उनको लगता है कि हमारी हमारा एक दोस्त आ गया, हमें कुरियर दे, उनको फ्रेंडली बिहेव होता है उनका ना, देखिए दोस्तों 3 चीज़ें 4 चीज़ें चीप थिंग्स गुड क्वालिटी गो ऑन टाइम और क्या कस्टमर फ्रेंड, ये 4 चीज़ होती है दोस्तों, तो फिर जो चौथा है ये करते ही करते तीसरा है वो भी करते करते दूसरा है वो भी करते करते चौथा है नहीं फर्स्ट है वो भी करते करते क्या क्या कि अच्छा माल बेचना, पैसा अच्छा लेना, पैसा कम लेना चीपर प्राइस पे देना, अच्छी क्वालिटी देना, ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ें करते थे कि, तो दोस्तों इससे उनका जो है कस्टमर ट्रस्ट बनता था, जैसे कि कस्टमर ट्रस्ट बनता था वो जो है क्या होता था कि कस्टमर फ्रेंडली से क्या होता, कस्टमर फ्रेंडली होगा ना दोस्तों तो आपका जो बिजनेस है आपको कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा ही कोई दोस्त, ठीक है,
समझो इसका मतलब क्या होता है क्रिस्टोफर फ्रेंड। अब इसके बाद चलते हैं कि हम इंडियंस ने सोचा था क्या कि ई कॉमर्स की जो ब्रांड है वो कितने बिलियन डॉलर की हो जाएगी, 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जल्दी कर दो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, नहीं तो सेम एक्सपेक्ट नहीं करिए तो आप क्या सोच रहे होंगे। टेन नहीं दोस्तों, 110 मिलियन डॉलर, 120 बिलियन डॉलर, नहीं 120 भी नहीं, 130 बिलियन डॉलर, नहीं दोस्तों 140 बिलियन डॉलर, नहीं दोस्तों 150 बिलियन डॉलर, नहीं दोस्तों 160 बिलियन डॉलर, नहीं दोस्तों 160 बिलियन डॉलर, नहीं दोस्तों 170 बिलियन डॉलर, नहीं 170 बिलियन डॉलर, नहीं 180 बिलियन डॉलर, नहीं 190 बिलियन डॉलर, नहीं 91, 92, 93, 91, 96, 97, 98, 99, 200 बिलियन। तो हम इंडियंस ने सोचा था कि जो ब्रांड है, किस चीज़ की ब्रांड, ई कॉमर्स की जो इंडस्ट्री है वो 200 बिलियन डॉलर की हो जाएगी कब तक, 2019, 2018, 2020, 2021, 2022, 2024, 2025, 2026, 6 months, 2026 दोस्तों, 2026 जो है उन्होंने सोचा कि 200 बिलियन डॉलर की हो जाएगी कंपनी, मतलब इंडस्ट्री किस चीज़ की, ई कॉमर्स इंडस्ट्री। पर वो तो ये दो से पहले हुई तो इतनी बड़ी, इतनी ज्यादा दोस्तों ई कॉमर्स इंडस्ट्री बन गई, ठीक है, मतलब इतना इतना बिलियन डॉलर, मैंने 20 टाइम्स करा, मतलब समझो 200 बिलियन डॉलर फ्रेंड्स उन्होंने सोचा था 2026 पर। अभी 2022 और 2 साल पहले 2020 में ही हो गया था क्योंकि कोरोना आया था दोस्तों, समझे। ज्यादा वेस्ट टाइम नहीं करते हम लोग, तो दोस्तों अभी का जो टाइम है वो शिफ्ट हो गया ऑनलाइन चीजों पे। दोस्तों क्या होता है कि ये समझो तो जो भी चीज होती है, जैसे कि जो भी चीज होती है वो फायदे के लिए होती है, जैसे कोरोना में लोगों की जान गई थी वो तो गलत बात है, पर वो एक चीज छोड़कर हुई इंडिया के अंदर और बहुत सारी कंट्रीज के अंदर, ई कॉमर्स मार्केट, कोरोना, ये नहीं बोल रहा मैं कि कोरोना अच्छी बात है, ये नहीं बोल रहा हूँ, गलत बात है, पर वो ई कॉमर्स छोड़ दो, ठीक है ना, उन्होंने इसलिए बहुत जान भी ली, इसलिए तो मैं बोलता था गो कोरोना, ठीक है ना दोस्तों, तो कोरोना है पर उससे ई कॉमर्स बोल, ठीक है ना दोस्तों, तो ई कॉमर्स जो है इसलिए 2000 बिलियन डॉलर का हो पाया, ठीक है ना दोस्तों, अंडरस्टूड, 200 बिलियन डॉलर सर, तो दोस्तों 200 बिलियन डॉलर का इसलिए हो पाया, अंडरस्टूड, और दूसरी चीज़ क्या आती है 200 बिलियन डॉलर का इसलिए हो पाया। तो दोस्तों हम जिस पे थे टुडे टाइम शिफ्टेड टू ऑनलाइन, तो दोस्तों अभी का जो टाइम है वो शिफ्ट हो गया है किस चीज़ पे, अभी का जो टाइम है वो शिफ्ट हो गया है किस चीज़ पे दोस्तों, तो दोस्तों चल ही साथ है, तो दोस्तों अभी का टाइम जो है वो शिफ्ट हो गया है ऑनलाइन पे, दोस्तों ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गया है, तो फिर ऑनलाइन जो होता है वो बहुत ही अच्छी बात होती है, और ऑनलाइन करते हैं ना
कोरोना बस यही अच्छी चीज छोड़कर और उन्होंने गो करोड़ा और कोरोना मैंने प्रशांत में बात कर रहा था तो कोरोना पे नई वीडियो बना रहा मैं तो फिर हम लोग तो उस पर किस पे वीडियो बना रहे किस पे फ्लिपकार्ट ठीक है ना तो फ्लिपकार्ट पे बना रहे ना तो अभी फ्लिपकार्ट ही बात करते हैं ठीक है ना तो टाइम शिफ्ट टू ऑनलाइन मतलब क्या होता है दोस्तों कि टाइम जो है वो शिफ्ट हो गया ऑनलाइन पे मतलब टाइम जो है सारी चीज़ें जो ऑनलाइन शिफ्ट हो गई ऑनलाइन शिफ्ट होती है ना तो क्या होता है कि ऑनलाइन शिफ्ट होने से ये एक फ़ायदा होता है कि ऑनलाइन धीरे धीरे होता है तो ये अच्छी बात होती है कि आपको उधर जाना नहीं पड़ता आपको कुछ नहीं होता और अच्छी ट्रस्टेड ब्रांड होती है ना तो और भी फ़ायदा होता है क्या क्या आप जो कि आपको अच्छा सामान मिलेगा और बिना छुए बिना आपकी मेहनत बिना आपके बोले आप बस जाओ पैसे पैसे दो उनको मतलब ऑनलाइन पैसे ऑनलाइन होते हैं ना तो ऑनलाइन बैंक टू बैंक दो उनको वो आ जाएगा आपके घर आकर दे देगा तो इसलिए मार्केट जो है शिफ्ट हो गया ऑनलाइन पे ज़्यादातर लोग जो है ज़्यादातर मेरे दोस्त जो है वो लोग ऑनलाइन से ही लेते मतलब स्टोर जो है उनकी जो मतलब स्टोर से भी खरीदते हैं दोस्तों तो स्टोर से भी खरीदते हैं दोस्तों ठीक है ना स्टोर से भी खरीदते हैं पर वो जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गए इस टाइम पे ठीक है ना ऑनलाइन शिफ्ट हो गए ठीक है अंडरस्टूड तो ऑनलाइन शिफ्ट हो गए वो ठीक है अंडरस्टूड ऑनलाइन धीरे 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 शिफ्ट होने लगे दोस्तों तो दोस्तों ऑनलाइन जो है वो अच्छी बात है ऑनलाइन भी शिफ्ट होना चाहिए ठीक ना दोस्तों तो फिर दोस्तों ऑनलाइन शिफ्ट होता है ना तो फिर आपके फ़ायदा बताऊँ मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ बताऊँ सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट्स सक्सेस इन ऑनलाइन आपको क्या फ़ायदा होगा ऑनलाइन के लिए ठीक है ना आपको क्या फ़ायदा होगा ऑनलाइन के लिए समझे दोस्तों आपका ये फ़ायदा होगा कि क्या होगा दोस्तों आपको ये फ़ायदा होगा कि फर्स्ट तो आप जो हो ऑनलाइन आपको जाकर उधर हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा आपको क्या करना है बस देखना है मतलब आपको उधर जाकर हाथ जो है वो हाथ जाकर भी नहीं लगाना आप जो है आप अपना रूटीन फॉलो कर सकते आपको किधर जाकर माधवपुरी भी नहीं करनी आपको कुछ नहीं करना आपको कोई काम ही नहीं है इसमें ठीक है तो आपका कोई काम नहीं है उधर ठीक है ना वो लोग उधर के कर लेंगे आराम से वो वेल ट्रेंड रहते हैं ठीक है ना आराम से अपना काम कर लेंगे सब कर लेंगे अपना काम अच्छी तरह बस वो वेल ट्रेंड होते हैं दोस्तों ठीक है ना ठीक है वो वेल ट्रेंड होते हैं ठीक है ना उनको मतलब कुछ कुछ शॉप्स होती है जो ना क्या कुछ कुछ शॉप्स होते हैं जो चलती हैं ज़्यादातर तो ऑनलाइन ही चलता है जैसे डी मार्ट ने भी हमें ऑनलाइन खरीद कर दिया मैंने डी मार्ट के ऊपर भी आपके लिए वीडियो बनाया है राधे कृष्ण तमानेश और उनकी कंपनी डी मार्ट तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रही है तो दोस्तों ऑनलाइन जो है वो अच्छा होता है और अगर आप ऑनलाइन करते हो तो फिर ऑनलाइन से क्या फ़ायदा होता है दोस्तों तो शिफ्टेड ऑनलाइन करते हो ना तो फिर आप जो हो डिजिटल मतलब आप जो हो आपको महत्वपूर्ण भी नहीं लगती और आप अपना जो ऑनलाइन काम है आप कितना भी मंगा सकते हो दोस्तों इसलिए तो ऑनलाइन चैनल हुई थी क्या अमेजोन ठीक है दोस्तों तो दोस्तों मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मेरी लिमिट क्रॉस कर गई है वरना आज से ज़्यादा हो जाएगी ठीक है ना दोस्तों तो व्हाट्स नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है कि अभी का जो टाइम है मतलब अभी जो सारी की सारी चीज़ है वो किस चीज़ पर बेस्ट हो रही है रुको रुकिए दोस्तों अभी की जो चीज़ें हैं
है ना, तो अभी की जो चीज़ें हैं वो किस चीज़ पे शिफ्ट हो गई है बताओ। तो चलिए बताता हूँ, अभी की जो दोस्तों किस चीज़ पे शिफ्ट हो गई बताओ। डिजिटल मार्केटिंग व्हाट मींस? डिजिटल मार्केटिंग मतलब होता क्या रियली दोस्तों? डिजिटल मार्केटिंग मतलब होता है, जानना है दोस्तों? डिजिटल मार्केटिंग मतलब होता है कि वैसे तो मेरी मम्मा की एक ब्रांड है द ब्रांड क्रिएटर, आप उसको भी जाकर लिंक कर सकते हैं। मेरी मम्मा की एक ब्रांड है जिसका नाम है द ब्रांड क्रिएटर, तो दोस्तों वो भी डिजिटल मार्केटिंग करवा दी है, ठीक है ना? तो दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट पर है मुझे ये चीज़ याद है। तो दोस्तों इसका नेक्स्ट है कि दोस्तों जो, ठीक है ना, तो मेरी मम्मी के उधर आप कांटेक्ट कर सकते हो, उसका नाम है द ब्रांड क्रिएटर, ठीक है ना? और फिर उसके बाद क्या है कि दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग जो होती है वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये आपकी मार्केटिंग करना डिजिटली, सही है? जैसे कि आपको ऐड जाते हैं, है ना, ऐड जाते हैं आपको, वो डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मतलब ऑनलाइन, मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मतलब ऑनलाइन और शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग नहीं, डिजिटल मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग समझते होंगे आप। तो डिजिटली मार्केटिंग है ना, ऑनलाइनली मार्केटिंग, ठीक है? इसके बाद क्या है दोस्तों कि डिजिटली मार्केटिंग करते सिर्फ फ़ायदा क्या होता है? डिजिटली मार्केटिंग करते तो फिर आप कुछ नहीं होता, बस आपको एक लॉस होता है आपके टाइम, कि आप उस पर वर्क करना पड़ता है। अगर आप करोगे तो फिर उस पर भी टाइम वेस्ट होगा, तो हर चीज़ पर टाइम वेस्ट नहीं होता, काम आता है पर, ठीक ठीक है ना? तो डिजिटल मार्केटिंग जो है आप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए वो आपके ऊपर है दोस्तों, पर मुझे तो लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए, ठीक है ना? बहुत सारी ब्रांड्स को फ़ायदा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग, गूगल को भी, और बहुत सारी कंपनीज को दोस्तों, ठीक है ना? और फिर आप सोचेंगे बहुत सारी कंपनीज होती है ना, तो बहुत सारी कंपनीज होती है। हमारे लेसन्स एक पक्षी भी सुन रहा है, ठीक है दोस्तों? तो इसके बाद क्या है कि आप सोचेंगे कि बहुत सारे कंपनी जो फंडिंग लेती है, तो इन्होंने कितने की फंडिंग ली दोस्तों? तो दोस्तों इन्होंने कितनी की फंडिंग ली, समझे? कितनी की फंडिंग ली? तो दोस्तों इन्होंने $9 बिलियन की फंडिंग ली, जो कि बहुत ही बड़ी और बहुत ही बड़ी रेट होती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों? तो $9 बिलियन जो होती है वो बहुत ही बड़ी और बहुत ही बड़ी अमाउंट होती है दोस्तों, अंडरस्टूड? सो गो नेक्स्ट। तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि $9 बिलियन जो है उन्होंने करा, फिर उन्होंने इनके एक्विजिशंस को देखते हैं, उन्होंने कौन सी कंपनी को खरीदा, ठीक है ना दोस्तों? तो कौन सी खरीद कंपनीज को खरीदा उन्होंने बताऊँ? बता तो दोस्तों इन्होंने किसको किसको खरीदा बताऊँ? तो चलो बता ही देता हूँ आपको। तो दोस्तों इन्होंने खरीदा शायद से बताओ, रुको हाँ, महिंद्रा जो है नॉर्मल कंपनी, फैशन की कंपनी, नॉर्मल फैशन की कंपनी है, और जो है ठीक ठीक कंपनी है नॉर्मल जो है। महिंद्रा जो है बहुत ही अच्छी, बहुत ही बड़ी, बहुत ही अच्छी कंपनी है, ठीक है ना दोस्तों? दोस्तों इसके बाद क्या है कि उनके जो है जेबोंग जो महिंद्रा जो है उसको खरीद लिया उन्होंने, जेबोंग को भी खरीद लिया, फोन पे को भी खरीद लिया, ईबे को भी खरीद लिया, और बहुत सारी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज को खरीद। महिंद्रा तो इंडियन है, जेबोंग तो मुझे मालूम नहीं है, फोन पे इंडिया की, ईबे यूएस की, ठीक है दोस्तों? दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसके बाद नेक्स्ट क्या दोस्तों हम लोग समझते हैं।
थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या है कि राइवल्स, राइवल्स जो होती है क्या है ये राइवल्स, इनके कौन से बिग राइवल्स, इनके बिगेस्ट जो है, इनके बिगेस्ट कॉम्पिटिटर्स कौन से, समझे कि बिगेस्ट कॉम्पिटिटर्स में से कौन शामिल है। तो दोस्तों इनके बिगेस्ट कॉम्पिटिटर्स बताओ, बोले तो क्या हुआ, तो दोस्तों इनके बिगेस्ट कॉम्पिटिटर्स बताता हूँ मैं आपको, बताओ इनके कॉम्पिटिटर के बारे में हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों इनके कॉम्पिटिटर जो है राइवल्स वो है अमेजॉन, स्नैपडील और बहुत सारी अच्छी अच्छी। और दोस्तों फेस्टिवल पे जो है वो इंडिया के अंदर अमेजॉन जो है, अमेजॉन को भी कुछ पॉइंट्स पीछे छोड़ जाता है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर जो है दबदबा है, वो उनको हिला नहीं सकते, जमीन जमीन खिसका देंगे सब लोगों की, और खुद की जमीन खिसने दी ही नहीं, खुद की जमीन खोदो बिल्कुल, खोदो 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 खोदो। जैसे लगता है 1 hour 10 minutes से ज़्यादा बड़ा वीडियो बन गया है दोस्तों, अंडरस्टूड। तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट शब्द है, तो दोस्तों ये हो गया है। फिर उनको जो टाई अप उन्होंने करी थी महिंद्रा के साथ, वो उनकी रंग लाई और फिर उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। उनका जो पिछले साल या इस साल आईपीओ आ गया उसके बारे में मैंने देखा तो नहीं था। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग गोइंग इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। दोस्तों गोइंग इंट्रोडक्शन क्या है, मैंने आपके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे बड़ी बड़ी कंपनीज के ऊपर वीडियो बनाया, कौन सी कंपनी। तो दोस्तों हम लोग समझते हैं विप्रो, विप्रो जो है अजीम प्रेम जी के बारे में बनाया है, इन्फोसिस नारायण मूर्ति के ऊपर बनाया, फिर मैंने आपके लिए टाटा TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, दोस्तों टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बाद मैंने आपके लिए बनाया HCL शिव नाडर, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड, दोस्तों उसके बाद है हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड के बाद मैंने आपके लिए बनाया महिंद्रा, आनंद महिंद्रा सर के ऊपर, राधा कृष्ण धमानी सर के ऊपर बनाया कोटक महिंद्रा बैंक जो है उसके ऊपर मैंने आपके लिए बनाया कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर मैंने बनाया। फिर उसके बाद मैंने आपके लिए सुनील भक्ति मित्तल सर जो कि एयरटेल के फाउंडर है, उनको बोले तो SBM बोलते हैं उनको, मेरा शॉर्टफॉर्म सुनील भारती मित्तल। तो फिर उसके बाद RCLR मित्तल जो कंपनी है, स्टील किंग जिनका नाम है लक्ष्मी मित्तल सर, उनका सबसे बड़ा घर है इस दुनिया में। और फिर उसके बाद मैंने आपके लिए बहुत सारे रॉयल इनफील्ड पे बनाया, बालाजी वेफर्स पे, बिस्लरी पे मैंने आपके लिए बनाया, MDH मसालास पे, MDH मसालास के ऊपर मैंने आपके लिए कल भी वीडियो बनाया था और आज मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों फ्लिपकार्ट पे मैंने आज आपके लिए वीडियो बनाया। तो दोस्तों ऐसे मेरी वीडियो देखते रहिए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियो। दोस्तों ऐसे ही आपके बच्चों को और आप भी लर्निंग्स लेते रहिए मेरी वीडियो से, जो कि आपको अपना बिजनेस जो है वो ग्रो करने में हेल्प करेगी। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो ऑफ दिस 1 hour 13 minutes जर्नी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक